Subscribe to the Top 5 Bollywood channel and press the bell icon for latest updates. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार नाना पाटेकर के लाइफस्टाइल के बारे में। नाना पाटेकर 1 जनवरी 1951 को मुंबई में पैदा हुए। उनकी एज 69 इयर्स है। नाना पाटेकर के पिताजी का नाम गजानंद पाटेकर था और उनकी मां का नाम निर्मला पाटेकर था। 1978 में नाना पाटेकर ने नीलाकांति पाटेकर से शादी कर ली। उनका एक बेटा है जिसका नाम मल्हार पाटेकर है। नाना पाटेकर के हॉबीज कुकिंग और गरीब लोगों को खाना खिलाना है। बॉलीवुड में आने से पहले नाना पाटेकर ने काफी सारे काम किए, जैसे कि रोड पे जीब्रा क्रॉसिंग पेंट करना, वॉचमैन का काम और काफी सारे काम किए। नाना पाटेकर ने 3 साल आर्मी में ट्रेनिंग भी की। नाना पाटेकर की पहली फिल्म गमन थी, जो कि 1978 में रिलीज हुई। नाना पाटेकर उनकी फिल्म परिंदा में गैंगस्टर के रोल के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गए। उसके बाद नाना पाटेकर ने काफी ज्यादा बॉलीवुड मूवीज की। नाना पाटेकर उनके चैरिटी के काम से बहुत ज्यादा फेमस है। नाना पाटेकर दिन में कम से कम 100 से भी ज्यादा लोग को रोज आना खाना खिलाते हैं। नाना पाटेकर की नेटवर्थ की बात करें तो वो 50 करोड़ से भी ज्यादा के मालिक है और वो एक बॉलीवुड मूवी रोल के 50 लाख से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। पर आपको बता दें कि नाना पाटेकर एक आम जिंदगी जीते हैं। नाना पाटेकर मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने पत्नी और बेटे के साथ रहते हैं। नाना पाटेकर के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास ऑडी Q7 जिसकी कीमत 80 लाख से भी ज्यादा है, स्कॉर्पियो जिसकी कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है। नाना पाटेकर के पास रॉयल एनफील्ड की बाइक भी है जिसकी कीमत 1 लाख से भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपको भी एक्टर नाना पाटेकर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नाना पाटेकर का लाइफस्टाइल कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।